पश्चिम बंगाल में अभी लगभग लगभग 2.5 लाख के आसपास वैकेंसीज है जो खाली पड़े हुए हैं। हर एक पोस्ट में 20 लाख 25 लाख 10 लाख दो नौकरी लो। ये सिस्टम को बंद करने के लिए हमने चोरी नहीं किया, वो हमको फंसाना चाहता है। हम लोग आज राष्ट्रपति के पास जा रहा है, उपराष्ट्रपति के पास जा रहा है, केंद्रीय अर्थ मंत्री के पास जा रहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पास जा रहा है। हम लोग जो लंका में गया वही रावण बन गया। घर में डराया जाता है, धमकाया जाता है, लोग कैसे वोट डालने जाएगा वोट केंद्र में? बोलिए, कब से प्रोटेस्ट कर रहा है? आज 76 डे हो गया, ये धरना मंच चल रहा है हम लोग का, शहीद कलकत्ता शहीद मीनार का नीचे। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप पोस्टर देख सकते हैं, पोस्टर पे लिखा है धरना जंतर मंतर दिल्ली। लेकिन आपको सबसे जो खास बात है, ये जितने भी सारे लोग आपको दिख रहे हैं, कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि ये जितने भी भारी तादाद में लोग आपको दिख रहे हैं, ये सारे बंगाल से आए हुए हैं। जहाँ पे ममता बनर्जी का राज चल रहा है वहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, और इन लोगों की 3 सूत्री मांग है कि एक तो रिक्त स्थानों में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं भर रही है, जो नए मौके नहीं दे रही है, उस मौके मिले, ऊपर से इन लोग को महंगाई भत्ता मिले, और कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली बंद हो, और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे आए हैं उसको परमानेंट करें। ये सब इन लोगों की मांग है। हम इन लोगों से बात करेंगे कि इसमें केंद्र का कितना रोल है और बंगाल सरकार की कितना रोल है। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करें। क्या क्या दिक्कतें हैं आप लोग? दिक्कत है कि हमारे उधर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, जो हम सब गवर्नमेंट एम्प्लॉई को तनख्वाह देता है, उसमें जो AICPI अनुसार के जो DA देता है, डियरनेस अलाउंसेस, वो हमारे उधर नहीं दे रहा है ठीक से, नहीं मतलब केंद्रीय सरकार के अनुसार अभी 42% दे रहा है, और इधर हमारा बंगाल में वो 3% है। वो हम आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद 3% घोषणा किया है, लेकिन हमारा जो हाउस रेंट था 15% वो भी घटा दिया गया 3%। तो आपने बंगाल सरकार को बोला होगा, तो वहाँ से क्या है, मेमोरेंडम दिया होगा लोगों? हाँ, हमने सब कुछ दिया है। तो फिर उन्होंने गवर्नमेंट से, जो हमारा CM है ममता जी, उन्होंने हमको कुत्ते के, सरकारी एम्प्लॉई को कुत्ते के जैसा भोग रहा है ऐसा बोल रहा है, और हम चोर डाकात ऐसा बोल रहा है। ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सरकार बोल रही है, सरकार बोल रहे ममता दी, वो बोल रहा है ममता दी। हाँ, इधर आइए, क्या बोल रही है आप? हमारे मुख्यमंत्री से अपील है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरकारी कर्मचारी के ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणी, जैसे कि हम लोग DA मांगने जा रहे हैं, तो बोलिए तुम लोग कुत्ते हो, DA मांगते ही जा रहे हो, भोग भोग क्यों करते हो, और तुम लोग चोर हो, डकैत हो, तुम लोग चोर क्यों बोल दिया, चोरी करके नौकरी मिला। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से ये गुजारिश करते हैं, आपके पास प्रशासन है, पुलिस है, आप वहाँ से कार्रवाई कीजिए। चोरी करके नौकरी मिला तो बंगाल में, सुनिए, अगर चोरी करके नौकरी मिलने की बात उन्होंने कही है तो ये तो उन्हीं पे सवाल है ना। हाँ, यही तो, ये तो शर्मनाक बात है ना, हम लोग उन्हीं का कर्मचारी है, तो वो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करते हैं? हम लोग भी जानना चाहते हैं कौन कौन हम लोग चोरी करके नौकरी मिला, हम लोग कौन सही में चोर है। तो चोरी में नौकरी सच में मिलती है क्या? हाँ, उधर तो मिल रहा है। आप इधर देखिए, पूरा इंडिया में अभी IPL मैच चल रहा है ना, शाम तक TV खोलिए, देखिए IPL मैच चलेगा। अभी इधर बंगाल का न्यूज खोलिए, फ्लैट में 10 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़ नेता मंत्री लोग घर से बरामद हो रहा है, CBDI रेड मार रहा है। किसका पैसा है? चोरी का पैसा है, नौकरी बेचने का पैसा है? CBI और ED की बात कर रहे हैं तो वो तो सब लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री के इशारे पे नाचते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री के इशारे पे नाचता है तो हाईकोर्ट वहाँ पे, हाईकोर्ट के ऑर्डर पे CBI पश्चिम बंगाल में हो रहा, और 2011 के पास जितनी वैकेंसी वहाँ पे भरी गई है सब में भ्रष्टाचार हुआ है। 10 लाख 12 लाख 8 लाख दे के नौकरी वहाँ पे लिया गया। हम लोग किस साल में बहाल हुए? हम लोग उसी 2014-2017 के वैकेंसी में है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे लगभग 90% के आसपास जितनी सारी भ्रष्टाचार। इतना सवाल इसलिए सरकार में उठा रहे क्योंकि आप लोग को महंगाई भत्ता नहीं दिया। महंगाई भत्ता हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट से 36% कम है, 36%, मतलब हम लोग अगर हिसाब करें तो 30 दिन का काम करके 21 दिन का वेतन हम लोग को दिया जा रहा है। लेकिन
हम जैसा कि लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री कहती है कि सेंट्रल से हमें फंड नहीं मिल रहा है, सेंट्रल से फंड नहीं मिल रहा है, वो वहाँ पे अलग अलग भ्रष्टाचार है, उससे हम लोगों का कोई लेना देना उससे है नहीं। देखिए आपको मिड डे मील का पैसा मिल रहा तो आप मिड डे मील में खर्चा करिएगा, आपको आपका जैसे 100 दिन का काम का पैसा मिल रहा था आप उसमें खर्चा करिएगा, उस हाँ मनरेगा वाला पैसा, तो आपको जिस फंड के लिए मिल रहा है उस फंड पे खर्चा करिएगा। मुख्यमंत्री ने तो बोला है कि हमें केंद्र दे ही नहीं रही है फंड इस चीज के, हम लोगों मंत्री से हम लोग कहना चाहते हैं आप लोग एक बैलेंस शीट प्रकाश कीजिए ना पब्लिक के समक्ष। आप लोगों ने यहाँ पे मेमोरेंडम दिया कि हमारे सरकार को क्यों नहीं फंड दे रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं मुख्यमंत्री और सरकारी जितने भी डेलीगेशन हम लोग भी उसके साथ जाएंगे, पहले वो पश्चिम बंगाल का जनगण के सामने एक बैलेंस शीट प्रकाश किए कि हम इतना फंड में इतना खर्चा किया है इतना फाइनेंशियल ईयर में, तो हम लोग हम मानेंगे हाँ फंड का सही इस्तेमाल हुआ है। हम लोगों ने माननीय सीएम से आह्वान किया था कि आप एक श्वेत पत्र प्रकाश कीजिए कि केंद्र के साथ आपका कितना बकाया है और आप हम लोगों का नेतृत्व दीजिए, हम लोग सब मिल के एक साथ जाएंगे दिल्ली और हम लोग का पश्चिम बंगाल का जितना बकाया है वो हम लोग वहाँ से लेके आएंगे, पर माननीय सीएम ना कभी श्वेत पत्र प्रकाश किए ना कुछ किए, और उन्होंने ये धरना प्रदर्शन के लिए भी दिल्ली आने को तैयार नहीं हुई, बाध्य होकर हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है समस्त शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी रिक्त पदों पर स्वच्छता पुनस्थाई नियुक्ति, ये क्यों? पश्चिम बंगाल में अभी लगभग 2.5 लाख के आसपास वैकेंसीज है जो खाली पड़े हुए हैं, उसको भरने के लिए हम लोगों ने बोला है कि जितने सारे शून्य पद हैं उसे आप निष्पक्ष पूर्ण से योग्यता के आधार पे पारदर्शी तरीके से आप उससे भरिए, क्योंकि अभी एक उदाहरण दे रहा है कि अभी कुछ दिन पहले 3000 के आसपास ग्रुप डी की भर्ती हुई थी जिसमें से 2900 के आसपास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया क्योंकि ओएमआर सीट में किसी का 0 था, किसी का 5 था, किसी का 7 था, योग्यता थी नहीं, सुप्रीम हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। लोग वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं पैसे देकर, घूस देकर। कॉन्ट्रैक्ट पे तो है ही लेकिन जो परमानेंट है उसमें भी ओएमआर सीट जो एग्जाम परीक्षा के समय जो ओएमआर सीट होता है उसमें किसी का 3 है, किसी का 5 है, किसी का 7 है, किसी का 0 है, 0 होने के बावजूद भी जिसका 0 है उसका 54 हो गया है, जिसका 5 है उसका 60। ये कैसे आप कह सकते हैं? ये हम लोगों ने हाई कोर्ट पे जो एसएससी हम लोग का वहाँ पे जो भर्ती करती है वो एसएससी करती है, एसएससी ने हाई कोर्ट पे वो एएमआर सीट जाके जमा किया है और वो हाई कोर्ट वहाँ पे पब्लिक डोमेन पे उपलब्ध है जिसको देख के हम लोग बोल रहे हैं। जस्टिस अभिजीत गांगुली हमारा लिए ईश्वर है, जस्टिस अभिजीत गांगुली उसका नाम आपने सुना ही है, हाँ इसको कर जाइए माननीय जस्टिस अभिजीत गांगुली। अभिजीत गांगुली ये जो केस जो किया है जो जज उन्हें किया है इसीलिए तो हर लोग जनता पड़ता जो ये सब घोटाला हुआ है, नहीं तो हम कोई नहीं जानता है। 11 से मतलब वहाँ के हाई कोर्ट ने ईडी सीबीआई भी भेजे हैं नेताओं के घर पे, हाई कोर्ट का निर्देश के बाद ईडी और सीबीआई आया ना, तो माने कौन आएगा? धांधली कर रही है सरकार, धांधली कर रही है। अभी जब अब क्या ईडी ने जब रेड किया हाई कोर्ट के परमिशन से ईडी ने हमारे शिक्षा मंत्री के घर पे रेड किया तो वहाँ से 50 लाख रुपया 50 करोड़ रुपये निकला बरामद हुआ, इसको सस्पेंड किया गया, वो अभी तो जेल में है, अभी जेल में है। पूरा शिक्षा दफ्तर पूरा एडुकेशन का जो डिपार्टमेंट है कार्यवाही तो हो ही रहा है, तो क्या दिक्कत? दिक्कत है जो पकड़ा रहे वो जेल जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, तो दिक्कत हम लोग का यही है। बंगाल का शिक्षा जो है ना यूनिट है ना शिक्षा जो डिपार्टमेंट है शिक्षा दफ्तर सब जेल में अच्छा है तब तो सरकार अच्छा काम कर रही है। ऐसा काम किया है ना पूरा जेल में नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं किया, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था ईडी सीबीआई को इस मामला में जांच करने के लिए, जांच करने के बाद ईडी सीबीआई ने ईडी ने पर्टिकुलरली रेड किया। मेरा भूतपूर्व जो शिक्षा मंत्री थे पार्थ चट्टोपाध्याय उसका और उसका गर्लफ्रेंड का घर से बहुत सारे रुपया 50 करोड़ का तो वो जेल में है। हाँ उसका बाद वो जैसे प्रोग्रेस कर रहा है जहाँ भी हाथ दे रहा है सब खोखला निकल रहा है, सब नेता का घर से बाथरूम से सिर्फ रुपया ही निकल रहा है। इस पे मुख्यमंत्री ने कुछ बोला? मुख्यमंत्री ने बोला ये कुछ हमको पता नहीं था, इलेक्शन का टाइम में बोलता है 294 जो सीट है सब में हम ही कैंडिडेट है, आप सब हमको दे के वोट दीजिएगा। जैसे एक एक केंद्र में जाके एक एक नेता को जेल में भर रहा है तब मुख्यमंत्री बोलता है ये सब कुछ हमको पता नहीं था।
और उनका अगर भ्रष्टाचार, लोग कहते हैं कि केंद्र की सरकार विपक्षी पार्टियां पे हमला कर रही है लगातार, जो है बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव उसके भी घर पे ईडी सीबीआई गई थी लेकिन वहां से कुछ बरामद नहीं हुआ, सिर्फ 50 लाख रुपए केस। दूसरा स्टेट के हमारा क्या लेना देना है, हमारा स्टेट के बारे में हम बोलेगा, लेकिन केंद्र की सरकार कह रही है, हमारा जो केंद्र की सरकार पे लोग कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों को ये लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए हमने चोरी किए हैं, हम किसी के पास जाएंगे पहले खुद का बारे में बोलेंगे हमने चोरी नहीं किया, वो हमको फंसाना चाहता है, हर एक आदमी यही बोलेगा कि वो हमको फंसाना चाहता है, हम नहीं किए हैं, वो हमको फंसाने के लिए ये सब कर रहा है। अभी दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी जेल में है, हो सकता है कोई अपराध किया होगा जेल में, हर एक काले के मामले में, हाँ हर एक आदमी करा, कुछ मिला नहीं उनके घर पे। करप्टेड आदमी को देखिए, जो जांच कर रहा है ये उसका ऊपर है, हम तो जांच का ऊपर नहीं है, हम लोग न्याय अदालत में हम लोग का पूरा। आप लोग क्या करेंगे दो अभी आप लोग केंद्र की सरकार से क्या मांगने आए? केंद्र की सरकार से आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय शिक्षा मंत्री सबका पास हम लोग का डेपुटेशन है, हम लोग का जो दावी है ये तीन दावी हम लोग का है, केंद्रीय जो AICPA के अनुसार 42% जो हम लोग का DA है वो DA में हम लोग लास्ट मंथ से पहले 3% मिलता था, लास्ट मंथ से 6% मिल रहा है, ये बैलेंस जो अमाउंट है इसका बारे में हम बोलना चाहेंगे कि ये हमको जो महंगाई वहाँ पे है उसका ऊपर ही ये परसेंटेज डिपेंड करता है, तो हमको पूरा हम लोग का परसेंटेज मिलना चाहिए। एक दूसरा बात है सच नियोग, आज 2.5 लाख का ऊपर पोस्ट है जो सब एबोलिश हो रहा है, वहाँ पे सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, क्योंकि केंद्र में भी हम लोग बोलेंगे क्या वहाँ पे जो एबोलिश कर रहा है पोस्ट को एबोलिश कर रहा है करके सब सिविक कर खत्म कर दिया जा रहा है, खत्म करके सब सिविक अपॉइंट कर रहा है, ऐसा मत कीजिए, जितना भी परमानेंट पोस्ट का अपॉइंटमेंट हो रहा है सब अंडर टेबल पैसा का के लिए कर रहा है, हर एक पोस्ट में 20 लाख 25 लाख 10 लाख दो नौकरी लो, ये सिस्टम को बंद करने के लिए। और तीसरा बात है, तीसरा और एक तो बात है जो आज मान लीजिए 10 साल हो गया 12 साल हो गया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम कर रहे हैं जिसका उपयुक्त शिक्षा है सब कुछ एडुकेशन है उसको परमानेंट पेरोल में आने के लिए, इन तीन दावी लेकर हम लोग आज राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति के पास जा रहा है, केंद्रीय अर्थमंत्री के पास जा रहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पास जा रहा है, हम लोग का दावी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ममता दीदी जो है मुख्यमंत्री जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, ये बाहर वाला आदमी को जानता है, घर का आदमी सिर्फ जानता है, बीच बीच में हम लोग भी एक बात बोलता है, क्या बोलता है पता है ना, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, बंगाल का आदमी क्यों झेलेगा, हर इंडिया वासी को झेलना चाहिए, क्या चीज है, हर इंडिया वासी को एक बार देखना देखने के लिए सुजोग देना चाहिए, सिर्फ बंगाल वासी नहीं झेलेगा ये हर इंडिया। महिला मुख्यमंत्री है इसलिए आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? महिला मुख्यमंत्री है तो हम लोग ही उनको वेलकम करके लिए हैं, मैं आज 2011 में ममता जी हम लोग का CM बने हैं, क्यों CM बने हैं तो पता है ना, पहले कहीं भी कुछ भी करप्शन होता है कुछ भी अन्याय होता है वहीं पे रास्ता में सो जाते थे, उसका अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे, बंगाल वासी उनका पार्टी का आदमी से वोट नहीं दिया, टोटल बंगाल वासी उनको वोट देके लाए हैं, और आने के बाद क्या पता चले समझे ना, जो लंका में गया वही रावण बन गया, उसी के लिए हम लोग खुद उनको लाए थे, क्या सोच के लाए थे, जो सोच के लाए थे आज उसका ऑपोजिट हो गया। अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे मतलब हम लोग, हमारा जो दाबी है ये दाबी को हम ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी तब तो देंगे वोट, तब तो ठीक है ममता दीदी। दाबी मतलब ये तीनों दाबी है, एक चीज मत क्योंकि बाहर में एक तो आवाज दे रहा है ये लोग महंगाई के लिए अपना महीना बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, नहीं हम लोग तीन दाबी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ये तीनों दाबी नेक्स्ट जनरेशन। आप लोग भी तो कॉन्ट्रैक्ट पे ही है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट में, हम लोग परमानेंट है, हाँ गवर्नमेंट परमानेंट कंप्लेंट एम्प्लॉई है। ममता दीदी जब विरोध में थे तब उन्होंने बोला था, तब हमारे युवा वामपंथी का सरकार था, तब उन्होंने बोला था जो सरकार अपने एम्प्लॉयज को DA नहीं दे सकता उसको रिजाइन कर देना चाहिए, और अब ममता दीदी के स्टेट में 36% ममता दीदी आप लोगों को चोर कह रही है, कुत्ता कह रही है। एक्चुअली क्या है ना, उनका आसपास में जो भी है आप तो जानते ही है, सब जेल में है, महान व्यक्ति उनका आसपास में रहता है, सब तो उसी टाइप का है, तो उन्हीं को लेके उनका काम है। आप अगर हार चुनाव होगा तो क्या करेंगे आप लोग? चुनाव का बात में कुछ बात बोलिए, क्योंकि बंगाल का चुनाव हर इंडिया से चुनाव से अलग है,
वहाँ पे दो चीज लेके चुनाव होता है, ये बोलना ठीक नहीं रहेगा। बताइए बताइए। वहाँ पे जो चुनाव है ये हर मीडिया को पता है बंगाल में कैसे चुनाव होता है, चुनाव के बारे में हम लोग को कुछ नहीं बोलना है। हम लोग लोगों को पता चलना चाहिए, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कैसे होता है चुनाव। देखिए हम लोग बोलते हैं आदमी को वोट दिया ही नहीं जाता, घर में दबाया जाता है, धमकाया जाता है, लोग कैसे वोट डालने जाएगा वोट केंद्र में। बोलिए, बहुत बड़ी बात है, आप देख सकते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि बंगाल में जो है लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, और क्या क्या किया जाता है आप देखिए। जो 2021 में जो चुनाव हुआ था उसके बाद जो पोस्ट पोल वायलेशन हुआ बंगाल में, सारे न्यूज चैनल ने दिखाया, वहाँ पे 294 आम आदमी मारा गया था, किसी का घर जलाया गया था, किसी का लूट किया गया था, किसी का हत्या किया गया था। 2018 में पंचायत इलेक्शन भी यही हुआ। आपको शायद मालूम नहीं है, सुनिए, आपको शायद मालूम नहीं है कि 2002 में गोधरा कांड हुआ था, सारे गुजरात में हुआ था, जो अभी मुख्यमंत्री जो अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं उन पे भी आरोप लगे हैं, ये सब तो आरोप है। जो आरोप था उसके आरोप को विचार करने के लिए केंद्रीय न्याय है, सुप्रीम कोर्ट है, जांच करने का हम लोग का कोई अधिकार नहीं है, जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है, ये सब वो लोग करेंगे, हमारा काम हम लोग करेंगे, हम लोग का जो मांग है वो मांग लेके हम आए हैं और कुछ के लिए हम यहाँ पे नहीं आए हैं। हम लोग मैंने बात बोलने नहीं, हमारा जो न्याय अधिकार है, जब आप लोग को नहीं मिलेगा तो आप लोग सरकार बदलेंगे ना? सरकार हम लोग तो न्याय अधिकार के लिए लड़ाई करते हैं। सरकार बदलेंगे या नहीं, वोट की चोट देंगे या नहीं? नहीं बदलेंगे, वो जनता निर्धारण करेंगे, हम नहीं, हम जनता का, हम लोग जनता का प्रतिनिधि नहीं है। आप जनता नहीं है, हम जनता है, वो हम जनता, एक एक वोट मायने रखता है। हम तो एक आदमी का बात नहीं है, हम अपना जो मांग है वो मांग लेके यहाँ पे आए हैं, जनता क्या करेगा, जनता क्या राय देगा वो मेरा ऊपर नहीं है। आपने कहा था कि जब ममता दीदी लोट लोट के बोलती थी, किसी के करप्शन होता था तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करती थी, तो आज जब उन्होंने, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि उनके राज में अभी बहुत करप्शन हो रहा है, तो क्या करेगी जनता? क्या करेगी जनता, ये जनता का, जनता क्या करेगी, ये जनता पॉलिटिक्स करेगी, पॉलिटिक्स के द्वारा वो संचालित होती है। हम लोग, क्या लग रहा है आप लोगों की मांग पूरी हो जाएगी? पूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी ये तो हमको पता नहीं, हम लोग को जो मांग है लेके हम कब तक लड़ते रहेंगे? जब तक हमारा ये पूरा नहीं होगा तब तक लड़ते रहेंगे। कब से कर रहे हैं प्रोटेस्ट? कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज 76 डे हो गया, ये धरना मंच चल रहा है हम लोग का, कलकत्ता शहीद मीनार का नीचे, और फिर आज सत्तरवां दिन यहाँ पे, हाँ, वहाँ पे 44 डेज हंगर स्ट्राइक भी किए थे, उसका बाद भी गवर्नमेंट का कोई मानवीय मुख नहीं दिख पाया कि हम लोग का साथ आके कोई समझौता करे। हम लोग देख लिया गवर्नमेंट का मानवीय मुख, हर बोलते हैं ना ममता जी का गवर्नमेंट मानवीय है, उसका मानवीय रूप हम लोग देख लिया। बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा यहाँ पे जितने भी तमाम लोग हैं, कैमरा पर्सन एक बार दिखाएंगे कि जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं ये सारे बंगाल के लोग हैं, और ये लोग लगातार बंगाल की सरकार पे हमला कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ममता दीदी जितना बोलती हैं कि हमारा सरकार मानवीय है, कुछ भी नहीं है, वो हमें कुत्ते की तरह ट्रीट करती है। जो भी है, आपने सुना इस पूरी खबर में, आपकी क्या राय है इन लोगों से? आप सहमत है, अगर बंगाल से है तो आप क्या सोचते हैं ममता दीदी के बारे में, वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में, वहाँ के सरकार के बारे में, कैसा काम कर रही है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है? पूरी खबर को देख के राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।